देखो जी अखा की दवाई है इन्हों की ताकि तुम अखा की दवाई लैना है अखा की दवाई है ते जे छे दवाइया ते छे दवाइया दे विचों जेड़ियां तीन सस्तियां वो इत्थों मिलनी है ते जेड़ियां तीन महंगियां वो बाहरों मिलनी है जदे कि सरकार ने कहा कि दवाई जिन्नी मर्जी महंगी हो दवाई सिविल हॉस्पिटल चो मिलनी है जे दवाई इत्थे नहीं हैगी फिर इत्थे दा डॉक्टर दवाई क्यों लिख के दिंदा पिया आ गंद जिते कि तरह तरह सब्जियां तरह तरह का गंद पिया हो इतों बच्चे ने भी पानी पीना बड़े ने भी पीना बुढ़े ने भी पीना लेडीज ने भी पीना जवान ने भी पीना बदबू स्मैल वेखो तो कि आती पी है तो ये दिल्ली वर्गे हॉस्पिटल कहती सी सरकार असी बनावे आम आदमी पार्टी कहती सी दिल्ली वर्गे हॉस्पिटल बनावे तो यह दिल्ली वर्गे हॉस्पिटल है फिरोजपुर का सिविल हॉस्पिटल है जी ये जोड़ा कि जिन्होंने सरकारी हॉस्पिटल कहने आप ते जे आप सरकारी हॉस्पिटल की गल करिए आके इतनी गंदगी वेख लो कि देखो जी आप बाहर टट्टी है इन्हों ठीक है जी तो किन्ने दिन हो गए तुम इतने गेड़े मारते सिविल हॉस्पिटल बड़े दिन हो गए आसोसिएशन है जेड़ा कि हाथ धोन होता है मिट्टी पूरा भरया हो हालात है सिविल हॉस्पिटल आप जी पानी कहदे वास्ते लैके चले पीना से लगे चलो प्यास लगी है तो नाल गंदगी भी है स्मैल भी आती पी है हालात है जी सिविल हॉस्पिटल यह तस्वीर ने फिरोजपुर के सिविल हस्पताल दियाँ जिन्हों वेख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार सरकार के दावे की इतने किमें पोल खोल रही है फिरोजपुर सिविल हस्पताल के लोग बेहाल ने लोगों बाहरों दवाइया मंगवाया पै रही ने लोगों ने पंजाब सरकार तो सवाल पूछे ने कि आखिरकार जिहड़े उन्होंने दावे किए सन वह कितने भी नज़र क्यों नहीं आ रहे सिविल हस्पताल की इन्नी माड़ी हालत है कि इत्थे पीण वाला पानी भी साफ नहीं मिल रहा सिवरेज बंद होने के नाल प्रदूषण फैल रहा है जिसने लोगों का जीना दुश्वार कर दिता है सिविल हस्पताल दे विच आने वाले मरीज ठीक तो की होने से उल्टा इतों बीमार हो के ही जाएंगे जिहो जे इतों के हालात ने सिविल हस्पताल दे विच जिहो जिहां सुविधावां होनियां चाहीदियां ने अजिहियां सिविल हस्पताल दे विच नज़र नहीं आ रही ब्यूरो रिपोर्ट अज दी आवाज़ गीता शर्मा असीं हार्ट दी दवाई चाहिए हार्ट दी कुछ मिलेगी वेखो ते कुछ बाहर दी हुंदी है अल्ट्रासाउंड पैसे मांग रहे हांजी जतिंदर सिंह वाइफ का करवाना मैं प्रेगनेंसी का 200 रुपया मांग हाँ जी फीस मांगते पे ने टेस्टा की किसी को 30 रुपये लै रहे हैं किसी को 60 लै रहे हैं ईसीजी के 60 रुपये लै रहे हैं हालांकि सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री होंगे इन सरकार का दी आई है तो लुट मचा ली सरकार ने पहला नालों ज्यादा हाँ जी मांग के बिल्कुल फ्री किया जाए मेडिसन जी सस्ती है वह फ्री दे देंगे जी महंगी है बाहरों लिख देंगे बाहरों लवो कई मिलती नहीं बाहरों भी नहीं मिलती गरीब बंदा इतने की करेगा दसो मेरा नाम मैं कि छोटा था राजा पक्का ना सरजी सिंह असी आ लंगर की सेवा करते हैं हाँ जी सानू प्यास लगी हुई है जे असी प्यास दे विच मैं कि गंदा चंगा या पानी ना पियांगे अभी तो मर जाएंगे भावें गंदा चंगा सानू पीना पैंदा जे प्यास हाँ जी जेड़ा मर्जी हो प्यास खत्म करनी है तो पानी पीना पैना ना पियांगे तो असी आ देखो असी लंगर दे मैं मालक आए जी लंगर की सेवा करते हैं आ देखो साढ़े सारे लंगर के भरा रहे देखो वो साढ़े व्डे भरा है वो देखो चिट्टी हाँ जी बाहरों ही लिया पैंता की करिए नहीं जी नहीं मेरा नाम है जी अमन वाल्मिकन मैं रावण सेना तो ब्लॉक प्रधान निजाम यूनिवर्सिटी तो अज सिविल हॉस्पिटल से सानू पता लग्या इतने गंदगी है इतने जेडे कस्टमर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं है जेडे इतने आते हैं दवाइया लैन उन्हों की कोई भी सुनवाई नहीं है उस मुद्दे को लैके असं इतने आए थे तो इतने तो बहुत बुरे हालात है जेड़िया महंगी दवाइया जिदा छे दवाइया लिखती जेड़िया तीन महंगिया वो डॉक्टर ने इन्होंने कहना बाहरों लै लो तो जेड़िया तीन सस्तियां कहना इतों लै लो तो भगवंत मान कहते केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के उहदेदार कि असी दिल्ली वर्गे हॉस्पिटल बना देंगे दिल्ली वर्गी इत्थे सफाइया हो जाएगियां ये दिल्ली वर्गे सफाइया इत्थे तो कोई हालात ही नहीं है ये दिल्ली वर्गी इत्थे कोई गलबात नहीं है
लोगों ने सरकार बनाई सी जताया सी ये विश्वास दिता सी भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी ने कि असी तुहानू पूरी फैसिलिटी देवेंगे स्कूल बनावेंगे। अज तक कोई फिरोजपुर से स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल दे विच लैना नहीं, कोई देना नहीं। जिहड़ियां तीन महंगियां बाहरों मिलदियां ते तीन इत्थों मिलदियां, इन्हां दे बाहर दुकानां लगियां होईयां, इन्हां दी कमिश्नर डाक्टरां कोल पहुँच जांदियां ते कस्टमर जिहड़ा आम लोग आ आम नागरिक आ जिहड़े हॉस्पिटल आंदे पे उह की करनगे, उन्हां ने तां घरे जाणा जदों उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं। इत्थे इन्नी जनता खड़ी है, जे कोई भी एक जनता इत्थे खड़ी हो के एक बंदा भी कह दे कि सारी दवाई हॉस्पिटल च सानूं मिली है तो फिर सरकार कवे सारी मुल दवाई बाहरों मिलती है, कोई भी इत्थों नहीं मिलती। वो पीने वाला पानी है उत्थे कीटाणु उत्थे सारा गंद वज्या होया, उत्थे लोकी उत्थे हाथ धोने वाला पानी उत्थे लोकी पी जांदे, ना कोई सफाई कर्मचारी है, ना कोई कुछ है, ना कोई लैना। जे बच्चों की वार्ड है उत्थे की कहिंदे थल्ले गंद वज्या, अद्धियां टूटियां चलदियां नहीं। ये सिविल हॉस्पिटल का हाल है। सिविल हॉस्पिटल वो है भाई जी जिहड़े कि MIR कट के थाने जाती फिर जाके कार्रवाई होंगी है। ये वैल्यू है सिविल हॉस्पिटल की, तो ये सिविल हॉस्पिटल के ये कानून है। सिविल हॉस्पिटल कोई पैसे दे के परचा माड़े बंदे दे करा दिंदा, कोई तगड़ा बंदा किसी होर ते करा दिंदा, इत्थे ये सिस्टम नहीं चलेगा। भगवंत मान जी नूं केजरीवाल जी नूं बेनती है तुसीं सिविल हॉस्पिटल एक बार आके सर्वे करो तो सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा वेखो। जिस वार असी तुहानूं जताता ना तो भुल जाना कि 5 साल बाद तुसीं आ जाओगे, तुसीं 5 साल बाद बिल्कुल भी नहीं आओगे। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਆਹ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੇ, ਵੱਡੇ ਖੜੇ, ਛੋਟੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਟਾਣੂ ਥੱਲੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ? ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਜਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਦਗੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।